ये उड़ गया। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमने जो जंगली कबूतर पे 1.5 महीने पहले अंडा रखा था उनमें 2 बच्चे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों अंडे में बच्चे निकल गए हैं और दोनों बहुत ही बड़े हो गए हैं। और देखिए दोनों जो है बैठे हैं वहाँ पे, बाहर आकर जो है वहाँ पे बैठे हैं और उड़ने के फिराक में हैं, देख रहे हैं अपना। तो ये जो है तकरीबन 1-2 दिन के बाद, ठीक है दोस्तों, हम इनको उतार लेंगे, नहीं तो ये उड़ने लायक हो गए। हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक बिल्कुल वाइट है और एक कलसीरे में है, देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ही आराम से बैठे हैं, तो पहचान रहे धीरे धीरे बाहरी इलाके को। और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये निकल लेंगे। तो अभी 1-2 दिन और उसके बाद जो है हम इनको उतार लेंगे ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने अपने जंगली कबूतर पे से दोनों बच्चे उतार लिए हैं, जैसा कि ये पहला कबूतर है और दूसरा अंदर है, उसका भी हम आपको शौक कराएंगे, इसका भी हम आपको शौक करा रहे हैं। और शौक कराने का रीज़न ये है कि इसकी आंखें बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, अभी से थोड़ी सी झलक लग रही है, तो हमने सोचा कि इसका हम आपको अच्छे तरीके से शौक कराते हैं। और चोंच भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत पहले हमारे कबूतरी में ऐसा था और इस कबूतर में ऐसा आया है, तो हमने सोचा कि आपको हम चलिए शौक करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी आँखें गौर कीजिए, ये देखिए दोस्तों आंखें तो अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन जब ये आंखें साफ करेगा तो बहुत ही बेहतरीन इसकी आंखें होगी। देखिए इसकी आंखें जो है बादल टाइप की, ठीक है दोस्तों, जो मतलब पूरी तरीके से सफ़ेद आंख नहीं होगा और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आँख होगा। और इस चोंच के नीचे देखिए ये काले, ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम कबूतर में देखने को मिलते हैं। अभी तक तो हमने ये दूसरी बार देखा है और इससे पहले एक था उसमें हमने देखा था, उसकी उड़ान बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो चलिए इसके पर का हम आपको शौक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसके पर बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह पर है। और जब ये कली झाड़ के साफ होगा, जब 10वीं कली का होगा, तो और देखने लायक ये कबूतर बनेगा। ये देखिए दोस्तों दूसरे साइड का पर, और इसकी दुम हम आपको शौक कराते हैं। ये इसकी दुम, अभी तो एकदम बंद दुम का कबूतर है, ठीक है दोस्तों, और जोड़ हल्के से खुले हुए, तो वही बच्चा है, ठीक है दोस्तों, तो ये बंद कर सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं और इसके साथ का जो दूसरा वाला है उसको मिलाते हैं, फिर साथ में दोनों को शौक कराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए ये दूसरा वाला बच्चा है और ये भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हुआ है, इसकी भी आँखें बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये पूरी तरीके से अपनी आँखों को साफ करेगा, तो इसका हम आपको शौक कराते हैं। और ये पट्ठा जो है वो दूसरे वाले पट्ठे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए इसकी आँखें, अभी से जो है ये आंखें साफ़ कर रहे हैं, बहुत जल्द साफ़ कर देंगे, लेकिन इसकी आंखें जैसा लग रहा है कि साफ़ होगा, उससे ज़्यादा साफ़ होगा इसका, उसका कम होगा, ठीक है, बादल के समान उसके होंगे अंदर का जो रिंग है, ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि आप, बहुत ही बेहतरीन ये बच्चे हुए हैं। और इसके भी चोंच पे देखिए, नीचे भी काले ऊपर भी, उसके नीचे सिर्फ काले हैं, इसके ऊपर नीचे दोनों काले हैं, ठीक है दोस्तों। और चलिए इसके भी हम जो है पर का आपको शौक कराते हैं, बहुत ही बेहतरीन बच्चे हुए हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं बहुत ही फुर्तीले। ये देखिए दोस्तों, पर बहुत ही शानदार पर हुए हैं, जब ये दोनों 10वीं साफ़ करेंगे तो बहुत ही लाजवाब जो है पर आएंगे इनके। दूसरे साइड का पर दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे साइड का पर, और परों के ऊपर देख रहे हैं आप जो ये काले पत्ते हैं ऊपर, तो बहुत ही बेहतरीन दोनों साइड के पर एक जैसे हैं। अब झाड़ने के बाद क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, जब ये 10वीं कली के होंगे। ये देखिए दुम, दोनों के दुम जो है एक जैसे हैं बिल्कुल। और पंजे दिखाते हैं हम आपको, देखते हैं पंजे कैसे हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अलग पंजे हैं इसके, पंजे तो बिल्कुल सेम है लेकिन नाखून जो है बहुत ही डिफरेंट है उसके। आपने देखा कि वाइट नाखून का था और ये ब्लैक नाखून का। और चलिए जो है इसकी भी जोड़ थोड़ा सा हम आपको चेक करके बताते हैं दोस्तों। तो इसके जोड़ बिल्कुल ही बंद हैं, ठीक है दोस्तों, और उसके हल्के से खुले हुए, तो बंद कर सकते हैं, अभी बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दोनों को हम ऊपर छोड़ के आपको शौक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके छोड़ते हैं। ये देखिए, ये उड़ गया, देखिए कहाँ गया ये, ये देखिए तो नीचे गिरने वाला है। और चलिए इसे हम कोशिश करते हैं ऊपर लाने की। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा, और ये भी वहीं जाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम दोनों को, पट्टे को हमने सुबह में लाया है और हमने घर में छोड़ा, इसके बाद हमने बाहर निकाला है, ठीक है दोस्तों, आपको शौक कराया, फिर जो है नीचे से ऊपर लाया, इस पर रखा, देखिए एक नीचे गिर गया, तो ये भी उस जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको हम जल्दी से कबूतर बाहर निकालते हैं, नहीं तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा हमें। निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा ये, तो क्या होगा कि अगर हम नहीं निकालते तो ऐसा होता कि ये जो है उसको देख के वहाँ जाता और दोनों एक साथ होते, फिर जो है निकल लेते।
लेकिन ये देखिए दोस्तों, तो सुबह में हम इनको उतारे थे और कबूतरों के बीच छोड़े थे, तो कबूतरों को कुछ पहचान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि वो कैसे आता है, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि इधर उधर भागने लगेगा और जंगली कबूतर को जब देखेगा ये तो और ज़्यादा परेशानी होगी, फिर हाथ नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे कबूतर थोड़ा और निकाल देते हैं हम, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा इधर करते हैं तो शायद आ जाए। देखिए दोस्तों, देख के आएगा इसको, आ, 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 आ। यही होता है दोस्तों जंगली कबूतरों में, जब जंगली पे आप बच्चे कराते हैं तो। ये देखे दोस्तों, ये शाबाश, देख रहे हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत ही तेज है ये पट्टा और बहुत ही बेहतरीन है, और आने का यही कारण है कि कबूतरों में थोड़ा सा देख लिए, इस वजह से जैसे ही कबूतर हमने बाहर निकाले तैसे ये कबूतर देखकर आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत ही आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगी, और जो नए लोग हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें।